Hey friends, welcome back to my channel, Isa Mix Vlog. तो guys, कैसे आप सभी? I hope आप सब अच्छे होंगे. So guys, आज का वीडियो होने वाला है मेरा होम टूर वीडियो. So guys, मेरा ना कभी भी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं आप लोगों को मेरा घर दिखाऊं, आप लोगों के साथ मेरा बातें शेयर करूं. मैंने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनाना है, आप लोगों के साथ मेरा बातें शेयर करना है, जो कि मेरा रियल है. दिखावे की दुनिया से निकल के सब आप लोगों को हकीकत में दिखाना है, सब आप लोगों को रियल दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं. जैसे कि कोई मेरे बारे में रिच सोचता है और कोई पोर सोचता है, और बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते भी है, लेकिन मैं वो सब माइंड नहीं करूंगी. बट मेरे पास जो भी है, जैसा भी है, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो गाइस, ये मैं वीडियो अटेंशन पाने के लिए नहीं बना रही हूँ, बस आप एक मोटिवेशन वीडियो समझ के देखिएगा. तो गाइस, चलिए अभी मैं आप सबको मेरा घर दिखाऊंगी. अभी तो फिलहाल मैं वो रास्ते पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर. तो गाइस, वो रहा मेरा घर, और ये हम लोग का गांव का रास्ता आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर है. इधर से आगे भी हम लोग का गांव है, और पीछे में भी इधर पूरा गांव है, आप लोग देख सकते हो. तो चलिए पहले मैं अपना घर दिखाती हूँ. तो घर के सबसे आगे में हम लोग का है एक छोटा सा गेट, इसे खोल के आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो गाइस, ये रहा मेरा घर, आप लोग देख सकते हो. और घर के बाहर इतना सारा ये जगह है, हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है. तो चलिए आगे की तरफ बढ़ के आपको दिखाती हूँ मैं. आगे देखने से सबसे पहले मैं आप सबको इधर दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर्स है जो कि मैंने लगाया है, आप लोग देख सकते हो. छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स में मैंने लगाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप लोग देख सकते हो. कि बाहर है यहाँ पर एक तुलसी का पेड़, आप लोग देख सकते हो, जो कि यहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं. और यहाँ पर एक बड़ा सा गाछ, जो कि एक मेडिसिन का गाछ है, पता नहीं क्या मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन का. यहाँ पर एक मेहंदी का पेड़ आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर भी थोड़े से फ्लावर्स है, मम्मी ने लगाया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर. तो चलिए अभी गाइस घर के अंदर से देखते हैं. तो फ्रेंड्स, घर के अंदर से दिखाने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ. तो फ्रेंड्स, मेरे ना पापा का कंडीशन इतना भी अच्छा नहीं है कि हम लोग रेंट पे रहे, क्योंकि दिसंबर 2021 को मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था. उसके कारण मेरे पापा का एक बार पूरा फ्रैक्चर हो चुका है, और उसके कारण मेरे पापा कुछ भी कर नहीं सकते, और 3 साल से वो ऐसे घर में है और कुछ नहीं कर रहे हैं. और हम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि उनका इलाज कर सके, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए. तो गाइस, सबसे पहले तो हमारे घर में है एक बड़ा सा बरांडा, आप लोग देख सकते हो. और बरांडा में कुछ नहीं है, बस ऐसे ही प्लेन है, आप लोग देख सकते हो. तो चलिए मैं आप सबको अंदर से दिखाती हूँ. सो गाइस, सबसे पहले हमारे घर के अंदर घुसते हैं. यहाँ पे हम लोगों का एक छोटा सा ड्राइंग रूम, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और हमारे ड्राइंग रूम में ज्यादा कोई सामान नहीं है, बस यहाँ पे एक छोटा सा सोफा है, और उसके बगल में मैंने अपना साइकिल रखा हुआ है. और हमारे वॉल्स में मैंने कुछ इस तरह से बहुत सारे कैलेंडर पोस्टर से सजा के रखा है. और इधर साइड में आप लोग देख सकते हो एक घड़ी भी है. और इसके बगल में हमारा एक छोटा सा गोदरेज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और गोदरेज में हम लोग ने अपना टीवी रखा हुआ है. टीवी के ऊपर मैंने इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स से सजा के रखा है. और इस गोदरेज के नीचे आपको देखने को मिलेगा, जब मैं छोटी थी तब की पिक्चर यहाँ पे मैंने इस तरह से सजा के रखा हुआ है. और फिर उसके सामने मेरे एक छोटा सा कॉफी मग, और इधर साइड में है मेरे नाना और नानी की पिक्चर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और इसके नीचे एक छोटा सा घर है, जिसे मैंने DIY करके बनाया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. और यही बस हमारे अलमीरा में ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चीजों से मैंने इसे सजा के रखा है. और बस यही हमारा ड्रॉइंग रूम, जैसे कि आप लोग अच्छे से देख सकते हो. तो चलिए गाइस, अभी आपको मैं दूसरा रूम दिखाती हूँ, जो कि है ये मेरा रूम. तो मेरे रूम के सबसे बगल में है एक छोटा सा स्टडी टेबल, जिसमें मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ. और मेरे स्टडी टेबल को मैंने बहुत सारे चीजों से सजा के रखा है, जैसे कि यहाँ पे रहे बुक्स. और इसके वॉल में बहुत सारे मैंने पेंटिंग करके चिपकाया हुआ है. और यहाँ पे छोटे छोटे नोट्स, बहुत सारे छोटे छोटे नोट्स को मैंने लिख के चिपकाया है. और उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा एक छोटा सा मंदिर है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. और फिर उसके बगल में हमारा एक छोटा सा और एक स्टडी टेबल, जिसमें मेरे भाई और बहन बैठ के पढ़ाई करते हैं. और ये मेरे भाई और बहन के बुक्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. और फिर स्टडी टेबल के पास में हमारा एक छोटा सा अलमीरा, जिसमें हमने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं. और फिर उसके सामने में एक मेरा छोटा सा प्यारा सा बेड, जिसमें मैं सोती हूँ. और फिर उसके सामने एक मेरा छोटा सा टीन का बक्सा, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे ब्लैंकेट बास्केट वगैरह इसमें रखा हुआ है. सो गाइस, बस यही है मेरा रूम. मेरे रूम में ज्यादा सामान नहीं है, बस इतना ही है. तो चलिए अभी मैं आप सबको दूसरा रूम दिखाती हूँ. रूम जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर. और ये रूम के अंदर घुसते ही यहाँ पर एक छोटा सा बेड, और यहाँ पर इससे थोड़ा सा बड़ा बेड है, आप लोग देख सकते हो. और यहाँ पे एक और एक अलमीरा, जिसके ऊपर वाले स्टेप में एक आर्टिफिशियल फ्लावर और डोल वगैरह से सजा के रखा है. और इसके नीचे वाले स्टेप में है, और इसके नीचे वाले सेकंड स्टेप में हम लोग ने बहुत सारे बॉक्सेस से इसे सजा के रखा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. सारे बॉक्सेस